अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो ये मेरा नया व्लॉग है और एक्चुअली मैं बहुत दिन के बाद आपको वीडियो भेज रही हूँ। तो एक्चुअली बाहर जाने की वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं भेज रही थी आपसे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं शेयर करूँ आपसे। तो बस ये देखिए, ये है मुंबई और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत ही मुंबई को अच्छे से सजाया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली क्रिसमस भी था और जनवरी, आपको पता है 1 जनवरी जो सेलिब्रेशन सारा एक ही साथ मनाया जाता है, तो बस इसी वजह से मुंबई को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था जिस तरह से मैं बता रही हूँ, मगर जब आप देखते हैं तो वो जो खूबसूरती होती है ना, वो आपको मैं बयां नहीं कर सकती हैं। वो आप जाके देखें तो मुझे लगता है कि एक बार सबको ताज होटल जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। और जो मुंबई है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जो आप रौनक देख ही सकते हैं कितना इस तरह से सजाया गया है। और ये देखिए इंडिया गेट, जो आपको मैं दूर से दिखा रही हूँ रंग बिरंगा, तो रियली इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत था। तो चलिए मैं आपको ताज होटल दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं ताज होटल में इसलिए आई क्योंकि मेरी छोटी बहन ने मुझे ताज होटल पे दावत दी और पार्टी, समझिए पार्टी में इनवाइट की है। एक मकसद था, तो मैं आपको एंडिंग में बताऊंगी कि उसने मुझे ताज होटल में क्यों इनवाइट किया और इस तरह का दावत क्यों रखा, तो मैं आपको एंड में बताती हूँ। अब हम लोग ताज होटल पहुँच चुके हैं जैसा कि आपने देखा, और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं, तो बस चलिए आगे दिखाती हूँ। ये ताज, इसका पूरा नाम है ताज महल पैलेस, और ये 5-स्टार लग्जरी होटल है इन द कोलाबा एरिया ऑफ मुंबई। और यहाँ पर अगर इसको घुमाना हो ना, तो मैं इसे घुमाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मतलब इतना टाइम नहीं था कि बैठ के घूमें। मैं घूमते घूमते मैं थक गई थी। तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसके अंदर जो है 6 फ्लोर्स है और हर का डिफरेंट फ्लोर्स है, तो आपको मतलब इतना आसानी नहीं है। इसके अंदर 560 रूम्स है और रेस्टोरेंट्स भी जो है वो एक रेस्टोरेंट नहीं है, इसमें 9 रेस्टोरेंट है। अगर आपको खाना खाना है तो आप ये सोचेंगे 1 रेस्टोरेंट, नो, इसमें बहुत सारा रेस्टोरेंट है, तो वो आपको बुकिंग भी करना पड़ता है, आप बुकिंग कर लें। तो इस तरह से है, तो मतलब इतना इजी नहीं है कि मैं आपको पूरा आसानी से घुमा दूं, तो जितना हो सका मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर जैसे एंट्री किए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ग्लास लगा हुआ दिख रहा होगा और उसके अंदर ये लोग क्रिसमस ट्री और इस तरह से पूरा डेकोरेट किए हुए थे। तो बहुत सारे लोग आए थे, बाहर बाहर कंट्री के लोग भी आए हुए थे, तो इसकी वजह से ये लोग वीडियो बनाना थोड़ा मना कर रहे थे कि वीडियो ना बनाए ज़्यादा, ये कह रहे थे कि आप फ़ोटो ले सकते हैं, सेल्फी लें। तो बट मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो ले लूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पापा हैं और ये जो बहुत सारा फ़ोटोज़ दिख रहा है, ये सारे जो हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, मतलब जैसे अमिताभ बच्चन है और फिर संजीव कपूर जो खाना बनाता है, मतलब क्रिकेटर भी हैं, तो मतलब हर तरह के जो बाहर से आते हैं, जो रतन टाटा, ये सारे का जो फ़ोटो है ना वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसा कि मैं फ़ोटो आपको सामने से नज़दीक से दिखाती हूँ कि आप देख सकें कि ये कौन कौन लोग हैं, तो सारे जो है ना, जितने भी शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, ये सारे का फ़ोटो यहाँ पर लगा है।
तो बस ये देखिए, ये खाना जो बनाते हैं संजीव कपूर, उनका भी फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये एरिया पे पूरा फ़ोटो लगा हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारे जो यूनिक कपड़ा वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो सब भी इस लाइन पे पूरा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा था कि प्रोहिबिटेड था फ़ोटो लेना, बट थोड़ा बहुत मैंने ले लिया। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये भी एक यहाँ पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप खाना खाएं यहाँ पर। और यहाँ पर इटालियन फूड था, और यहीं पर बैठ के खाएं, और स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर। तो रात में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, वीडियो पे इतना नहीं दिख रहा है, जितना अंदर से आप जाके देखेंगे ना वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो मुंबई का जो सबसे फेमस है वो ताज ही है, ताज होटल। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊँ, जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएँ।
और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि हमारा एक्चुअली जो टेबल था वो पूरा फुल था और बस वेट कर रहे थे। उसके बाद हमारा टर्म आया तो फिर हम लोग खाना खाने के लिए अंदर गए। तो हमने बिरयानी मंगाई थी अपने टेबल पे और दूसरे टेबल पे वो लोग रोटी वगैरह, मुझे तो बिरयानी पसंद है तो इसलिए मैंने बिरयानी मंगाया, मटन बिरयानी, और उधर वो लोग रोटी और कोरमा वगैरह वो खाएं। तो बस हमारा खाना पीना हो गया, उसके बाद मैं आगे मिलती हूँ। तो देखिए जिस रेस्टोरेंट पे हमने खाया उसका नाम शामियाना है और ये देखिए यहाँ पर है कि आपको क्या मंगाना है, क्या खाना है। तो बस हमने ऑर्डर दिया और बस फिर हमने खाया पिया वहाँ से और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अब मैं बताती हूँ कि ये पार्टी मुझे किस लिए मिला, मेरी छोटी बहन ने मुझे क्यों दी। क्योंकि वो पुणे में रहती है तो उसने कहा था कि मुझे वो पार्टी पुणे में देगी, मगर उसने मुझे ताज में दिया। क्योंकि मैंने कहा, एक्चुअली उसने एक कार ख़रीदा था और वो कार था एस्टर और आई थिंक वो 24 लाख का कार है। तो मैंने कहा कि तुम्हें मुझे इन्वाइट करना चाहिए, पार्टी देना चाहिए क्योंकि तुमने इतना अच्छा कार ख़रीदा है। तो बात हो रहा था कि चलो पुणे में ही दावत दे देते हैं, पुणे में भी बहुत बड़ा बड़ा होटल है तो वहाँ दे देते हैं। मैंने कहा कि नहीं, तुमने कार इतना महंगा लिया है तो पार्टी भी कुछ महंगी जगह पे होनी चाहिए। तो बस तभी डिसाइड हुआ कि चलो मुंबई जाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग ताज पे ये सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कार भी था तो पार्टी भी वैसे ही होना चाहिए ना। तो बस मैंने ये कह दिया कि नहीं, इतना अच्छा कार है तो पार्टी भी उसी जगह पे होना चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ आ गए मुंबई। तो ये है बाहर का एरिया, देखिए ये यहाँ से एंट्री वाला गेट है और आपको वापस भी जाना है तो इसी गेट से वापस जाना है। तो बस यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।